तो चलिए अब बात कर लेते हैं फर्जी कॉल सेंटर की। गुरुग्राम डीएलएफ 4 में सीएम फ्लाइंग और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और मौके से 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि अमेरिकी मूल के जो नागरिक थे उन लोगों को निशाना बनाया जाता था और टेक्निकल सपोर्ट देने के नाम पर 400 से $1,000 तक की ठगी भी होती थी। इतना ही नहीं, ये गोरखधंधा पिछले 4 महीने से इसी तरह से चला आ रहा था। पुलिस ने मौके से 22,50,000 से ज्यादा की नकदी बरामद की है, साथ ही कंप्यूटर और लैपटॉप समेत कई संदिग्ध सामान भी अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस फर्जी कॉल सेंटर के सरगना की तलाश में जुट गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, यही वही कॉल सेंटर है जहां पर फर्जी तरीके से अमेरिकी मूल के नागरिकों को ठगा जाता था। 4 महीने से कंटिन्यू उसी तरीके से कॉल सेंटर चल रहा है। यहां जितने भी लोग काम करते हैं फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने यहां पर छापेमारी की है। मुख्य आरोपी जो है इस कॉल सेंटर का, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो लोग यहां पर पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से संवाददाता विजेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। विजेंद्र, फर्जी कॉल सेंटर लगातार ये सामने आ रहे हैं गुरुग्राम की अगर हम बात करें, और यहां भी जिस तरह से ये छापेमारी की गई है, हालांकि सरगना अभी भी गिरफ्त से बाहर है, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये इस तरह के कॉल सेंटर लगातार गुरुग्राम में लगातार उनका खुलासा हो रहा है, और ऐसे में जो सीएम फ्लाइंग है वो लगातार इस तरह फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले जो लोग हैं उनका पर्दाफाश कर रही है। गुरुग्राम में 6 महीने के अंतराल की बात करें तो काफी कॉल सेंटर है जी तरीके से चलाई जा रहे थे, और जो विदेशी मूल के लोग थे चाहे अमेरिका हो या कनाडा, उनको फर्जी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर या अन्य किसी और लोभन प्रलोभन के नाम पर उनको ठगा जा रहा था। उनसे गिफ्ट कार्ड लिए जा रहे थे, उनसे अवैध वसूली की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में इसी तरह के कॉल सेंटर लगातार पकड़े जा रहे हैं, और ऐसे में जो उड़नदस्ता है, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता लगातार काम कर रहा है। डीएलएफ की बात करें या हम उद्योग विहार की बात करें, यहाँ भी लगातार कॉल सेंटर लगातार पकड़े जा रहे हैं। जैसे देर रात ये कार्रवाई की गई थी, जो उद्योग विहार पुलिस है और साइबर क्राइम की टीम है और उड़नदस्ता मुख्यमंत्री संयुक्त कार्रवाई की गई, तो ये 3 फ्लोर पर इस तरह का फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जहाँ पर 20 से 30 लड़कियां और लड़के काम कर रहे थे और जो विदेशी मूल के लोग थे उनको लगातार ठग रहे थे। तो ऐसे में फिलहाल रेड की गई, वहां से जो तमाम सामान था, चाहे पेन ड्राइव है, लैपटॉप है और अन्य सामान, नकदी, कई चीजें वहां से बरामद की गई है, और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 17 लोगों को अरेस्ट किया गया और फिलहाल आगे की जांच भी जारी है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो कॉल सेंटर गुरुग्राम में ज्यादातर इसलिए फल फूल रहे कि यहाँ पर जो लीज का काम है वो ज्यादा है, और ऐसे में आसानी से यहाँ पर लीज पर जो है रेंट पर यहाँ पर ऑफिस मिल जाते हैं, और ऐसे में जो वैध कॉल सेंटर भारी मात्रा में यहाँ पर है और उसी की आड़ में इस तरह से ये फर्जी कॉल सेंटर खोल लेते हैं कि दूसरों की नजरों से बचे रहे, लेकिन कानून है लगातार अपना काम कर रहा है, और उसी की ये बदौलत है कि फर्जी कॉल सेंटरों के भंडे फोड़ हो रहे हैं, और ऐसे में इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है, जल्द उसकी भी गिरफ्तारी होगी। जी बिल्कुल विजेंद्र, लेकिन जनता टीवी में हमने उससे पहले भी गुरुग्राम में तमाम ऐसे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था जहां पर फर्जी तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाया जाता था। अब ये मामला और सामने आया है, आपने बताया कि 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो सरगना है क्या उसके बारे में कोई अपडेट आपके पास कि कहां कहां वो रहने वाला था और कितनी जगहों पर उसके इस तरीके का ये पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा है? देखिए, फिलहाल जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ की जा रही है। जो मुख्य सरगना था, जो पूरा इसको लीड कर रहा था, फिलहाल वो फरार था, मौके पर नहीं था, इसलिए जो पुलिस वहां पर पहुंची, उड़नदस्ता पहुंचा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। गुरुग्राम का ही वो रहने वाला बताया जा रहा है, फिलहाल प्रथम जांच में सामने आया है, और ऐसे में जल्द उसकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गुरुग्राम में क्यों लगातार इस तरह के जो फर्जी कॉल सेंटर है वो फल फूल रहे हैं। जो युवा है वो काम यहाँ पर करने के लिए, नौकरी करने के लिए आते हैं, उन्हें लालच दिया जाता है, 20 से 25 हजार रुपए सैलरी दी जाती है, साथ ही जिस तरह से ठगी करते हैं उसका भी कमीशन इनको मिलता है, इस तरह की बात भी सामने आई है। जी ठीक है, चलिए विजेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।